सत श्री अकाल पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लैने आ सुर्खियां दे वल। किसान अंदोलन खत्म होने मगरों टोल टैक्स दरां ते पुलिस केसां नूं लैके हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का वड्डा ऐलान। टोल टैक्स नाके जल्दी शुरू होणगे, किसानां ते दर्ज मुकदमे वापिस लैण दी कही गल। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिता वड्डा बयान। कानून व्यवस्था सूबिया नाल जुड़िया विशा, सूबा सरकारां करनगियां किसानां दे मुकदमियां बाबत फैसला। विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा ने दिता वड्डा बयान, कहा मुख्यमंत्री चन्नी दसन किसानी कर्जियां दा मसला हल करनगे जां नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि किसान अंदोलन खत्म होने मगरों हरियाणा में टोल टैक्स नाके जल्दी शुरू होंगे, पर इन दरां में कोई वाधा नहीं किया जाएगा। उन्हें यह भी ऐलान किया कि अंदोलन दौरान किसानों खिलाफ दर्ज हुए सारे केस वापस ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान अंदोलन खत्म करने का स्वागत किया। उन्होंने दसिया कि किसानों खिलाफ दर्ज हुए केस वापस लैण लई गलबात चल रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कानून व्यवस्था सूबिया नाल जुड़िया विषय ते किसानी अंदोलन दौरान जिन्हां किसानों खिलाफ केस दर्ज किए गए सन उन्हां केसां नूं वापस लैण दा फैसला भी संबंधित सूबाई सरकारां वल्लों ही लिया जाएगा। उन्हां ने किसानों वल्लों दिल्ली दीआं सरहदां ते खत्म किए अंदोलन का स्वागत किया। खेती के काले कानूनों रद्द कराने उपरंत घरों वापसी दौरान संयुक्त किसान मोर्चे के आगू गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब विखे नतमस्तक होने उपरंत अपने अगले पड़ा लई रवाना होए। फतेहगढ़ साहिब पहुंचण ते श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल वलों किसान मोर्चे के आगुआं का सन्मान करने लई श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल के मुखी बाबा बलवीर सिंह 96 करोड़ी खास तौर पर पहुंचे। इस मौके किसान आगू मनजीत सिंह राय भी पहुंचे। देखो वाहेगुरु की कृपा हुई है, अकाल पुरख की यह बड़ी जित हुई है। ये पूरे देश के किसान की जित हुई है, पंजाब की जित हुई है, खासकर साड़ी कौम की जित हुई है। साड़ी कौम का सिर उच्चा होया, ये कौम वर्ल्ड की सिरमौर कौम बनी है। इस अंदोलन के वर्ल्ड की मैं इस करके कह रहा कि सारे ही देश जोड़े से वह भी इस अंदोलन जुड़े हुए थे। अज पता लग गया कि ये गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र जोड़े ने कई बार यह हुंदा सी, मेरा बेटा गया कनेडा बाहर तो वह कहें देख के सरूप है तुम पाकी हो, क्योंकि वह भी दस्तार सजाते ने होर ढंग सजाते हैं बेचक, पर वह समझते सन। पर अज पूरे वर्ल्ड में इस अंदोलन ने दसिया कि यह कौम है, ये वो गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र ने जोड़े पंजाब रेंदे ने और ये इंडिया रेंदे ने, भारत रेंदे ने। सो इसने बड़ा बड़ा सिर का जोड़ा उच्चा किया कौम का, मैं समझदा बड़ी जित हुई है। ये इतिहासक जित है, मेरी जिंदगी मैं समझदा कि एड्डी बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। बेशक कई बार कहने पुत्र जन्म का खुशी होंगी, पुत्र विहना खुशी होंगी, पर यह जी खुशी है सदियों तक याद रहने वाली है, कई पुश्तों तक याद रहने वाली, यह बड़ी खुशी हुई है, बड़ी जित हुई है। जिथे एक पासे किसान संघर्ष की वड्डी जित हुई है, उथे इस किसान संघर्ष विच कई किसान अपनियां जानां गवा चुके ने। उथे बीते दिन हरियाणा के जिला श्री मुक्तसर साहब के पिंडासा बुट्टर के दो नौजवान किसान एक सड़क हादसे विच अपनी जान गवा बैठे ने। दोवां नौजवानों का अंतिम संस्कार उन्हां दे पिंड आसा बुट्टर विखे कर दिता गया। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग SSP मुक्तसर सुरजीत सिंह ने दोवां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। उन्हां दे अंतिम संस्कार मौके वड्डी गिणती च लोग मौजूद रहे। जी बेहद दुखदाई घटना है, खुशी के नाल नाल गमी फिर नाल ही आती है। रब नूं पता नहीं की मंजूर है,
बहुत वड्डी अनहोनी हुई है। 750 तो वध लोग पहला जान गवा चुके हैं इस जदोजहद दे विच, इस लड़ाई दे विच। हुण लगदा सी कि परमात्मा कृपा करनगे, कृपा तो हुई, लेकिन आ अनहोनी ने फिर लक तोड़ता। जो माँ प्यो का हाल वेख्या, मैं समझदा कि काबिल पुत्तां दा चले जाना और एड्डी वड्डी लड़ाई जित के चले जाना, ये बहुत वड्डा कट है। ना केवल माँ बाप नू, इलाके नू, समाज नू, सिस्टम नू, बहुत वड्डा कट है। अज असी इस दुख की कड़ी शरीक होए हैं। पंजाब सरकार किसानां दे नाल हमेशा खड़ी है, मुख्यमंत्री साहब दा ऐलान है। कल भी असी मलम लाउण दी कोशिश कीती है, नौकरियां दित्तियां परिवारां नू, वापस तां नहीं लिया सकते, उन्हां दे संघर्ष नू सन्मान ही दित्ता है। एक असी कोई बहुत वड्डी गल नहीं कीती, उन्हां दी कुरबानी दे सामने ये नौकरी, ये आर्थिक मदद बहुत छोटियां गल्लां। सो कल मैं डिप्टी कमिश्नर मुक्तसर नू ये भी कहा कि जिन्ने मुक्तसर दे शहीद होए है इस संघर्ष दे विच, क्यों ना उन्हां दी कोई यादस्त बना याद बनाई जावे। सो असी इहदे ते विचार कर रहे हैं पूरन, और मैनू उम्मीद है कि एक अद्धे दिन च असी विचार करके किते चंगी जगह ते शहीदां दी याद बनावांगे, तां जो उस याद दे नाल लोगां नू ये पता लगे कि इन्हां ने उस घोल दे विच बहुत वड्डा आपदा योगदान पाया, आउण वालियां पीढ़ियां ते नस्लां नू पता लगे। केंद्र सरकार वालों पास किए गए 3 खेती कानून रद्द कर दिए गए ने। 3 खेती कानूनों नूं रद्द किए जाने तों बाद किसान लगातार घर वापसी कर रहे ने। इस दौरान सिरसा विच किसान अंदोलन की जित दा असर देखने नूं मिलिया। हरियाणा किसान मंच वालों सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम विच बनाए गए पक्के मोर्चे ते वीजा यात्रा कढ़ी गई, जिस विच किसानां ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके किसान आगू ने कहा कि किसान अंदोलन की जित इतिहासिक जित है। करते थे कि ये कानून कभी वापस नहीं हो सकते, वो देश के इस किसान आंदोलन ने इन कानूनों को वापस करवाया। जब हम यहाँ से गए थे तब हमारे को जेलों में डाला गया, हमारे ऊपर वाटर कैनन चलाए गए, लाठियाँ चलाई गई, मुकदमे बनाए गए, रास्तों की खुदवाई करवा दी थी, कंटीले तारे लगाई गई थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और जब वापस आए हैं तो फूलों से वर्षा हुई है। और आज पूरी दुनिया ने इस आंदोलन का जश्न मनाया है, तो ये एक लोकतंत्र की जीत हुई है और ये घमंड हारा है, संघर्ष जीता है। आज तो हम पूरे बाजार के अंदर फतेह मार्च निकालेंगे, और सब साथियों का, शहर के लोगों का, तमाम लोगों का जिसने इस आंदोलन के अंदर सहयोग किया, उनका सबका धन्यवाद करेंगे। पक्का मोर्चा यहाँ से हटा लिया जाएगा, कैसे रहेगा? पक्का मोर्चा कल यहाँ पे खंडपाठ रखाया जाएगा और 15 तारीख को भोग पड़ेगा, 15 तारीख को फिर यहाँ पे इसका पक्का मोर्चा को उठाया जाएगा। अभी आंदोलन शुरू हुआ है, अभी स्थगित किया गया है, आगे और लड़ाई है और मजबूती से लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब दे सीनियर आगू ते विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं कांग्रेस दा 2017 दा संपूर्ण कर्जा माफी दा वादा याद कराउंदे होए पुछिया ते किसानां ते मजदूरां दे कर्जियां दा मसला हल करन बारे गल कही है। उन्हां कहा कि हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस सरकार किसानां दीआं मजदूरां दे समुचे कर्जियां उत्ते लकीर मारन दे वादे तों बेशक भज गए, परंतु मुख्यमंत्री चन्नी समेत समुची कांग्रेस नूं लोकां दी कचहरी विच इस गल दा जवाब देना ही पवेगा कि कांग्रेस दे आंदाता नाल धोखा करन तों पहलां इक वार भी नहीं सोचिया। आम आदमी पार्टी के बुलारे ते विधायक अमन अरोड़ा ते यूथ विक पंजाब दे प्रधान ते विधायक गुरमीत सिंह मीथियर ने सांझे बयान राही पंजाब दे उप मुख्यमंत्री ते सेहत मंत्री ओपी सोनी नूं चुनौती नूं स्वीकार करदिआं कहा कि विचार चर्चा लई मंत्री साहब अपनी पसंद की जगह, तरीक ते चैनल सानूं चुण के दस देण। जिक्रयोग है कि कांग्रेसी मंत्री ओपी सोनी ने अपने साथी मंत्री प्रगट सिंह दे राह ते चल रहे ने ते उन्हां आम आदमी पार्टी नूं पंजाब ते दिल्ली दी सेहत प्रणाली ते बहस लई चुनौती दित्ती है, तां जो पता लग सके कि आम आदमी पार्टी दी सरकार
सरकार ने अपने कार्यकाल में सेहत सेवावां च की सुधार किए ने। अमन अरोड़ा ने सेहत मंत्री ओपी सोनी ते अंकड़ियां नूं गुमराह दस्सिया। उन्होंने कहा कि मालूम हुंदा है कि पंजाब दे सेहत मंत्री ओपी सोनी ने इंटरव्यू दौरान पंजाब ते दिल्ली दी सेहत प्रणाली ते इलाज व्यवस्था की तुलना की ते दावा किया कि पंजाब हर मामले विच दिल्ली तो अगे है। मंत्री दे इस दावे तो पता लगता है कि वह सेहत व्यवस्था के मामले च दिल्ली सरकार नूं चुनौती दिंदे ने। मंत्री वालों पेश किए अंकड़िया बारे अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब ते दिल्ली दी सेहत सेवावां तुलना करन दी छेती च सेहत मंत्री ओपी सोनी ये भुल गए ने कि पंजाब दी सेहत व्यवस्था राष्ट्रीय पद्धर ते निर्धारित मापदंडा ते WHO दे म्यारां ते खरी नहीं उतरदी। पंजाब दे पिंडां दे राष्ट्रीय सेहत नियमां अनुसार 700 तों वध प्राइमरी सेहत केंद्र होने चाहीदे ने, पर इन्हां दी गिनती सिर्फ 416 है। पंजाब विच पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना कारण कोई मौत नहीं हुई है, जो कि 42 नवे केस सामने आए हैं, जिस कारण एक्टिव मरीजों की गिनती 385 रह गई, जदों की सूबे विच हुण तक कुल पॉजिटिव मरीजों की गिनती 603,739 है, जदों की 586,735 मरीज ठीक होकर घरों परत चुके हैं। केंद्रीय विदेश राज मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी वालों उद्योगिक नगरी मंडी गोबिंदगढ़ विखे दौरा करके उद्योगपतियों नाल मीटिंग की गई। इस मौके केंद्रीय विदेश राज मंत्री ने कहा कि लोहा नगरी मंडी गोबिंदगढ़ के स्टील उद्योगों नूं खुशहाल बनाने लई केंद्र सरकार स्क्रैप प्रोसैसिंग यूनिट स्थाप करेगी, तां जो स्क्रैप की समस्या नूं दूर किया जा सके। भाजपा के जिला प्रधान प्रदीप गर्ग ने श्रीमती लेखी नूं इत्थे पुज्जन ते उन्हां दा धन्नवाद कीता। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने अहम जानकारी सांझी की है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब मौके करवाए जाने वाले समागम संबंधी अंतिम विचार चर्चा लई ऋषिकेश के पतवंतियों की बैठक 15 दिसंबर नूं दोपहर 12 बजे गुरुद्वारा कंपलैक्स ऋषिकेश विखे रखी गई है। भी किया गया इस मौके गलबात करदे संयुक्त किसान मोर्चे के आगुआ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो काले कानून किसानों उत्ते थोपे गए सन उसके विरोध में किसानों वालों संघर्ष किया गया और केंद्र सरकार को काले कानून वापस लेने पे। पहला असं इतिहास पढ़ते होंगे सी, ऐतकी इतिहास लिखता गा भी आने वाले 100 साल के कोई भी यह जी जी डिकटेटर वाली सरकार नहीं होगी जोड़ा यह जो कानून लेके आऊगी। 100 साल आने वाले 100 साल इतिहास लिखता। मैं धन्यवाद करदा गा किसानों ने जिन्होंने साथ दिता, क्योंकि हरेक वर्ग की लड़ाई सी, मजदूरों की लड़ाई सी, किसानों की लड़ाई सी, व्यापारियों की लड़ाई सी, जिहड़ा भी बंदा रोटी खाता उहदी लड़ाई सी। सो किरती लोगों की जित हुई आ, मोदी के मूँह ते चपेट बजी आ। जिहड़े कहिंदे सीगे पोलिटिकल लोग भी कानून आदरी होने उत्ते बैठे आ, उन्हां दे चपेट आ। जिहड़े कहिंदे परजी भी आ, जिहड़े कहिंदे अत्तवादी आ, वो अज्ज सानू किसान कह के आप उत्थों उन्होंने रवानगी करी आ। सो इतिहास लिखा गा, अफसोस इस गल का गा भी साढ़े लड़ाई लड़ते लड़ते 750 तो ज़्यादा किसान जोड़े शहीद हो चुके हैं, तो उन्होंने श्रद्धांजलि आ, उन्होंने सल्यूट आ। किरती लोगों की जित हुई। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर उत्ते किसानी संघर्ष में लगातार अपन सेवावान दे रहे सुरजीत सिंह ढेर और उन्होंने साथियों का खालसे की जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहब विखे पहुँचने उत्ते भारतीय किसान मजदूर यूनियन श्री आनंदपुर साहब और इलाके के लोगों वालों भरमा स्वागत किया गया। इस उपरंत समूह वालों तखत श्री केसगढ़ साहब विखे मत्था भी टेकया गया। किसान अंदोलन की जित उपरंत दिल्ली तो वापसी समय श्री मुक्तसर साहब जिले के किसानों की एक ट्राली हरियाणा के जाखल नेड़े सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस ट्राली में सवार पेंडासा बुट नाल संबंधित किसानों विचों 2 की मौत हो गई, जबकि 3 के करीब किसान जख्मी ने। एक पासे जिथे किसान अंदोलन की जित उपरंत वापस आ रहे इन्हां किसानों का खुशी खुशी स्वागत किया जा रहा है, उत्थे ही कुछ किसानों की ट्राली सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिस विच 2 किसान मारे गए ते 3 जख्मी होए ने। अज जिहड़ी घटना हुई है जी, आसा बुटर के साढ़े नौजवान 2 बच्चे, एक की उम्र अजय पाल जी तकरीबन 33 साल, वो जरा अनमैड सगा। दूसरा साडा भरा सगा जी, वो उम्र कोई 40 साल सी, वो विआह नूं तकरीबन 12-13-14 साल हो गए थे, तो वो एक बेटा 5-7 साल का। तो सानू यह जिहड़ा हादसा होया, एक साल तो यह वीर डटे हुए थे पूरे उत्थे संघर्ष के, इन्हों का आना जाना बने रहिंदा सी। हुण इह ट्रालियां लैण वास्ते अज तो 10 हफ्ता पहलां गए थे भी वापस आवेंगे। साड़ी उम्मीद, सानू भी उम्मीद सी भी पिंड नूं सारे नगर नूं साडी पंचायत नूं भी असीं इन्हां नूं दोदे तो ढोल ढमके नाल लैके आवांगे, पर जिहड़ियां साडियां आसां ते पानी फिर गया। मैं बहुत ही भरे मन नाल पंजाब सरकार तों यह बेनती करदा, पंजाब सरकार नूं हथ जोड़ के भी इन्हां दोवां परिवारां दी पूरी तरह बांह फड़ी जावे, ते साडे जिहड़े ओह बेटे तां हुण वापस नहीं आ सकदे।
श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किसान संघर्ष की जित उत्ते शुकराने वजो गुरद्वारा श्री मंजी साहब दीवान हाल विखे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ किया गया जिसका भोग 13 दिसंबर को पाया जाएगा। बीते कल एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की प्रधानगी हेठ हुई श्रोमणी कमेटी की अंतरिम कमेटी वालों किसान आगू श्री दरबार साहब नतमस्तक होने मौके सम्मानित करने का फैसला किया गया जिसके मद्देनज़र श्री अखंड पाठ साहब प्रकाश किए गए हैं। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के बॉर्डर के नाल किसानों के अंदोलन की सफलतापूर्वक समाप्ति उत्ते खुशी का प्रगटावा किया है। जिहड़े किसान 380 दिनों के ताप त्याग ते तपस्या तो बाद घर परत रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विच घर परत रहे हजारों किसानों का स्वागत करदिया अते वधाई दिंदिया कहा कि उन्होंने अनुशासन संजम और हिम्मत के कारण अंदोलन अपने निर्णायक अंत तक पहुंचा और भारत सरकार को आखिरकार काले कानूनों को वापस लियाना पड़ा। इस दौरान सबका मुख्यमंत्री ने उम्मीद प्रकट की कि पंजाब सरकार चोणों तो पहला कांग्रेस पार्टी के मैनीफेस्टो में किसानों नाल कीते वादे पूरे करेगी, लोड़ वेले किसानों नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़न की वचनबद्धता उत्ते खरा उतरदिया पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री रणदीप सिंह नाभा के नाल काले खेती कानूनों विरुद्ध संघर्ष दौरान अपन जाना गवाने वाले किसानों के 11 परिवारक मैंबरों ने विभाग में कलर्क वजो नियुक्ति पत्र सौंपे ने। इन्हों किसानों सूबे के आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी दसदा मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार पीड़ित परिवारों की भलाई में यकीनी बनाने लिए हमेशा हर संभव कदम चुकेगी। नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले बूटा सिंह, मनीष कुमार, अमृतपाल कौर, मनप्रीत कौर, कमलप्रीत सिंह, निर्मल सिंह, गुरविंदर कौर, बखशीश सिंह, नरेंद्र सिंह, दीक्षा और गगनदीप कौर शामिल ने। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों बंगा विखे वड्डी रैली की गई जिस दौरान उन्होंने वड्डा ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में सरकार बनन उत्ते एक डिप्टी सीएम का चेहरा बसपा तो होगा। सरकार बनन उत्ते पंजाब में दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे जिन्हां विच एक डिप्टी मुख्यमंत्री बसपा पार्टी का बनाया जाएगा। इत्थे भी दसनयोग है कि दूजे डिप्टी सीएम नूं लैके सुखबीर सिंह बादल पहले ही साफ कर चुके हैं कि दूजा डिप्टी सीएम हिंदू चेहरा होगा। मैं बीएसपी के वर्करां नूं कहना चाहुंदा, देखो तुसीं बड़े मेहनती हो, तुसीं मन लगदा 25-30 साल हो गए सिर झुकदा थोड़े कुरबानी का, तुसीं अखों नूं कोई उम्मीद नहीं सरकार बनेगी नहीं बनेगी, पर मैं देखिया गरीब वर्कर लगे ही रहा, कोई उम्मीद नहीं फिर भी तुसीं डट के लगे रहे। मैं देखिया थोड़े दुआबे ते सारी जगह बड़े वधिया वर्कर बीएसपी दे आ, ते हुण तुहाडी तुसीं सरकार दे विच मंत्री भी होंगे, तुसीं सरकार दे विच चेयरमैन भी होंगे, थोड़े थले तक वर्कर नूं असीं पूरा मान सत्कार देवांगे। ते नाले मैं अज कह रहा कि पंजाब सरकार जदों बनेगी थोड़ी बीएसपी दा एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, बीएसपी तो डिप्टी सीएम बनाएगा। लोग सभा स्पीकर ओम बिरला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान च पहुंचे। गीता मनीषी स्वामी गयानानंद जी ने उन्होंने स्वागत किया। इस मौके उन्होंने जियो गीता सभागार का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, खेड मंत्री संदीप सिंह, संसद मैंबर नायब सिंह सैनी, अरविंद शर्मा, सुनीता दुग्गल, रतन लाल कटारी और विधायक सुभाष सुदा मौजूद रहे। लुधियाना के जिला कोर्ट कंपलैक्स के एडिशनल सैशन जज संजीव जोशी की अगवाई के नैशनल लोक अदालत लगाई गई जिस में लगभग 390 के करीब केस आए और लोक अदालत के लगभग 325 केसों का निपटारा मौके पर किया गया। पत्रकारों नाल गलबात करदे नैशनल लोक अदालत में आए लोगों ने कहा कि इहो जिहियां लोक अदालतां रोज़ लगाउणियां चाहीदियां ने। गुरदासपुर के हलका कादियां तो आम आदमी पार्टी के आगू जगरूप सिंह सेखवा नूं उम्मीदवार ऐलाने जाण तो बाद जगरूप सिंह सेखवा ने कानूवान विखे स्थित गुरद्वारा घल्लूघारा साहब विखे मत्था टेक के रोड शो की शुरुआत की। उन्हें मानसा विखे अध्यापकों उपर हुए लाठीचार्ज की भी निखेधी की है। पिछले दिन तमिलनाडु में वापरे भयानक हैलीकाप्टर हादसे में फौज के सीडीएस विपिन रावत उनकी पत्नी समेत शहीद हुए 11 जणों नूं अमृतसर में ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट के आगू ने श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके उन्होंने कहा कि जनरल विपिन रावत ने फौज में अहम अहुदों पर रह के सेवावां दित्तियां सन जिन्हां दे जाण नाल देश नूं वड्डा घाटा पिया। पंजाबी यूनिवर्सिटी के बेड़े 7 साल बाद 39वीं कन्वोकेशन का आयोजन किया गया। इस कन्वोकेशन दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अरविंद वालों डिग्रियां की वंड की गई। पत्रकारों नाल गलबात करदिया वाइस चांसलर प्रोफेसर अरविंद ने मनिया कि डिग्रियां की वंड करन विच बहुत देर हुई है, 5-6 साल के लंबे अंतराल बाद यह डिग्रियां वंडियां गई ने। उन्हें डिग्रियां हासिल कर रहे विद्यार्थियों ने शुभकामनावां दित्तियां। इस मौके डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस के डॉक्टर अमनप्रीत कौर ने भी डिग्री हासिल की। देखो जी, पहली गल तो है कि अज वो डिग्रियां सी जिहड़ियां पिछले 5 साल तो पेंडिंग सी, तो मैसेज यही देना चाहवांगा कि इस तरह पेंडिंग नहीं, एक तो प्रोसेसिस रखनियां चाहीदियां, समय के नाल नाल सानू अपने काम मुकाउंदे रहना चाहिए है। और इन्नी वड्डी गिणती च पीएचडी डिग्रियां दा मतलब है कि बहुत सारे स्कॉलर जिन्हां ने खोज की अज उन्होंने डिग्रियां लईयां ने, तो मैं यही चाहवांगा कि वह अगे भी खोज करते रहन, म्यारी खोज करन,
ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋ। ਸੁਨੱਖੀ ਪੰਜਾਬਣ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੱਖੀ ਪੰਜਾਬਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੱਖੀ ਪੰਜਾਬਣ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ। ਸੁਨੱਖੀ ਪੰਜਾਬਣ 2019 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ 2021 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਨਾਰਸ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਰਖੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਟੈਲੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੁਨੱਖੀ ਪੰਜਾਬਣ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਿਓ ਅਸੀਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਤਗੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।